ये मैंने ये फेंका। हाँ फेंक दिया मैंने। फेंक दिया। किसकी चप्पल थी ये? आपकी। मैंने खुद ही फेंक दी। हाँ खुद ही फेंक दी। मैंने खुद खरीद के लेकर आई थी, मेरा दिल नहीं। वेलकम बैक टू माई चैनल शाह स्टाइल्स। सो आज का मेकअप लुक भी एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है और ये इंस्पायर्ड है शहनाज गिल जो कि बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट है। बहुत सारे लोग जानते होंगे यार, ऑब्वियसली शी इज सो क्यूट, सो अडोरेबल, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही पसंद है मुझे तो, इसलिए मैंने सिर्फ उन्हीं का ही ये लुक क्रिएट किया है, रिक्रिएट किया है। सो मैंने जो लुक रिक्रिएट किया है वो रही इसकी पिक्चर। सो या इसमें मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी लैशेज एंड लोअर लैशेज पे जो पिंक कलर था एंड दिस बोल्ड लिप्स। सो मैंने ट्राई किया कि मैं उसी तरीके का लुक रिक्रिएट करूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही वेरिएबल लुक है और आई होप आपको पसंद आएगा। और कैसा लगेगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आप कोई और लुक भी देखना चाहते हैं इंस्पायर्ड तो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं जरूर ट्राई करूंगी रिक्रिएट करने के लिए। सो चलिए देखते हैं कि मैंने इसे कैसे रिक्रिएट किया है। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से स्किन केयर के साथ। तो मैं अपने फेस को क्लीन करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एक गुड वाइब्स का शीट मास्क। ओके तो 3 to 5 मिनट्स रखने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ। अगेन ये गुड वाइब्स के हैं, गुड वाइब्स के स्किन केयर काफ़ी अच्छे होते हैं, अन अफोर्डेबल भी होते हैं। सो नेक्स्ट फॉर माई प्राइमर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस का प्राइमर, सब कुछ ही जम गया है। नेक्स्ट प्राइमर के बाद फाउंडेशन, क्योंकि मैं सबसे पहले बेस मेकअप कर रही हूँ। ओके नॉट फाउंडेशन, पहले हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ये अली गर्ल का ऑरेंज करेक्टर है। एंड गाइज ये जम गया ठंड की वजह से, जो निकल ही नहीं रहा था एंड देन काफ़ी प्रेशर देने के बाद काफ़ी सारा एक साथ बाहर आ गया। तो मैं ऑरेंज करेक्टर को अपने अंडर आइज में एंड जहाँ पे स्पॉट्स हैं, थोड़े से ब्लैमिशेज हैं, वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड फिंगर की हेल्प से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से, कुछ फास्ट फास्ट। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फाउंडेशन, ये है O3 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन। ओके तो ये काफ़ी लिक्विडी सा है, नॉट लाइक एक्चुअली लिक्विडी लिक्विडी, बट हाँ काफ़ी रनी सा है। तो मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ स्पंज के हेल्प से। ओके तो इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों ये सही से ब्लेंड नहीं हो रहा था, बहुत ही पैची पैची लग रहा था। बट वैसे हाथ पे काफ़ी अच्छे से आता है, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी पैची लग रहा है मुझे ये ब्लेंड करने पे, तो अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था। देन मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया इसे ब्लेंड करने के लिए एंड कवरेज इज़ वेरी वेरी लो कवरेज। तो या नेक्स्ट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का, और यहाँ ये कंसीलर भी बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि ये भी ठंड की वजह से जम गया, दिल्ली की ठंड ने सब कुछ जमा दिया है। देन मैं अगेन इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ओके तो मैंने आईलिट्स पे भी लगा लिया एज अ बेस, और उसके सब कुछ ब्लेंड करने के बाद सेट में कर रही हूँ यहाँ फेसेस के HD अल्टाइम प्रो मैट कॉम्पैक्ट से। बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्योंकि मेरा बेस उतना अच्छा नहीं था, बट कॉम्पैक्ट लगाने के बाद बेस काफ़ी अच्छे से सेट हो गया। नेक्स्ट फॉर माई ब्राउज, तो यहाँ पे शहनाज गिल के ब्राउज अगर आप देखोगे बहुत ही डिफाइन एंड डार्क आईब्रोज हैं, तो मैंने भी सेम वैसे ही फिल करने की कोशिश की है। एंड उसको शार्प एंड एजी बनाने के लिए मैं यहाँ कंसीलर से एजेस को क्लीन कर रही हूँ इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से हल्के हल्के से ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छे से डिफाइन लगे। नेक्स्ट पैलेट के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का देन एंड नाउ पैलेट यूज़ किया है, एंड उसमें से मैं ये लाइट पेल गोल्ड शेड लेके पूरी आईलिड पे सिंपली प्लेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपर आईलिड का मेकअप नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट मैं 3 यहाँ पे कलर ले रही हूँ, शिमरी पिंक, मैट पिंक एंड देन शिमरी पर्पल, जो तीनों मेरे लोअर लैशेस पे जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ मुझे लोअर लैशेस का मेकअप दिख रहा था। मैंने ये लुक इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि हाँ वेरिएबल है, अच्छा लुक है, बहुत ही सेक्सी क्लासी सा। सो या इसके अलावा भी बहुत सारे लुक थे बट मेकअप बहुत ही कम समझ आ रहा था उसमें। तो मैंने इनको तीनों को अप्लाई करके उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे बफ किया है, एंड देन मैं यहाँ पे डार्क शेड ले रही हूँ पैलेट में से, और उसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन के बिल्कुल एंड में लगा रही हूँ आउट ऑफ वी पे। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टेक वॉकी का ब्लैक लाइनर जिसे मैं अपने वाटर लाइन में लगा रही हूँ, एंड देन उसके बाद एक स्मज ब्रश की हेल्प से लगा लिया मैंने इसे, स्मज किया है। आई लैशेज, सारा गेम यहाँ पे आई लैशेज का है, तो मैंने बहुत ही अच्छी लैशेज अप्लाई करी हैं जो कि चेरी रेड चेरी की तरफ से हैं। देन मैं पर्पल का ब्लैक काजल ले रही हूँ और मैं अपर लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ।
देन ब्रॉन्जिंग. ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे कि लुक में ब्रॉन्जर अच्छे से यूज़ किया गया है, ब्रॉन्जर एंड ब्लश. तो मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर ले रही हूँ मिलानी का, एंड सी नेक्स्ट यहाँ पे ब्लश के लिए भी मैं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्जी ब्लशी लुक है. तो ब्लश के लिए मैंने पैक का ब्लश लिया है, एंड मैं थोड़ा सा हैवी फील कर रही हूँ ब्लश को अपने चिक्स पे ताकि लुक बिल्कुल वैसा ही आए. देन नोज़ कॉन्टोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप देखो दिख रहा होगा यहाँ पे नोज़ कॉन्टोरिंग काफ़ी अच्छी है, शार्प फीचर्स हैं, बट मेरी उतनी अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग के हिसाब से करी हूँ. लिपस्टिक, ओके, समथिंग डिफरेंट. तो लिपस्टिक यहाँ पे आप देखोगे तो शहनाज गिल ने यू नो अपर लिप्स पे अपर लिप को आउटलाइन किया है ओवर और लोअर लिप्स पे ऐसे ही सिंपली. तो मैंने उसी तरीके से शेप दी है एंड देन लाइटर शेड से दोबारा से लगा लिया. एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे से मैंने सेट कर लिया मेकअप रेवोल्यूशन का, एंड फ्रंट से स्ट्रेट हैं हेयर, इयर रिंग्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट वैसा ही मेकअप लुक टर्नड आउट हुआ है. सिल्की स्ट्रेट हेयर, लोअर लैशेज पे कलर, बोल्ड लिप्स एंड आई लैशेज ऑन फ्लिक. या गाइस, सो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक. आई होप आपको ये लुक अच्छा लग रहा होगा. लुक कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आया या नहीं. वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा.